छोरिया। और आज है संडे, तो संडे के मुताबिक इधर वाले कोई घूमने तो जाना नहीं है, ना ऑफिस किसी को जाना है। ये देखो, जय हो, वेलकम बैक गाइस। तो हम आ चुके हैं फिर से एक बार, तो आए हैं घंटा घर पे पार्किंग में। तो यहाँ देख सकते हैं आज संडे का दिन है, तो पब्लिक, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। तो यहाँ शूट वूट भी चल रहा है, घोड़े वोड़े पे हसन हसन सब शूट कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज जा रहे थोड़ा फिर से आलमबाग, थोड़ा काम था तो जाते हैं आलमबाग। तो रास्ते का जो सीन होता है वो आपको दिखाते हैं, और जो रिएक्शन होते हैं वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं फिर, आकाश के साथ निकलना है अभी। तो आकाश की गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से तो नहीं, तो चले फिर आकाश। तो चल रहे हैं, आज मौसम थोड़ा ठंडा वाला भी है, और आज संडे का दिन है तो सब मैच वैच भी बहुत खेल रहे हैं। इधर अंदर से चलते हैं, आपको अंदर वाले की भी पब्लिक दिखा देते हैं घंटा घर पे। इस टाइम पे कितनी पब्लिक है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे 2:27 हुआ है, तो 2:27 पे देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है इधर। ये तालाब का सीन, नवाबों का शहर है। हाँ भैया, और ले लेना। तो सब यहाँ फोटो शूट वोट सब चला करता है। यहाँ पे पुलिस वालों की कैंपिंग भी है, यहाँ पे रहते हैं पुलिस वाले, एसी वाले। तो आ गए इधर रोड साइड, भाई ये घंटा घर सामने से, यहाँ पे अंदर तो जाने नहीं दिया जाता है कि पुलिस वाले कैंपिंग करें, तो इसलिए अंदर नहीं जाने देते हैं। तो आगे रोड पे देख सकते हैं पब्लिक मचाएंगे मचाएंगे। तो चलते हैं फिर आगे, आगे का सीन दिखाते हैं आपको। हाँ, वो पक्के वाले पुल पे काम चल रहा है, देख सकते हैं परेशान करे मुझे मारो। घाट वाला सीन, बढ़िया घाट, और ये लोबी गेट देख सकते हैं सब बंद पड़ा। हाँ, वो बीच में एकदम वो है वहाँ पे, यहाँ पे ये एकदम दरार पड़ी है। चलिए आपको थोड़ा नजदीक से निकाला। नहीं नहीं, वो पूरी वीडियो में डाल चुका हूँ, चलो अपना आलमबाग चलो। हाँ, यहाँ पे सब पार्किंग वार्किंग भी डबल लगी रहती है, और इस साइड पे रास्ता कर दिया। तो चलते हैं, और जिन्होंने अभी तक रूमी गेट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप रूमी गेट वाली भी वीडियो देख लें। तो चलते इधर नीबू पार्क पे आ गए हैं, और नीबू पार्क से डायरेक्ट पुल चढ़ा के उधर वाल उतरेंगे, पुल उतार के फिर दूसरा पुल चढ़ेंगे, फिर उतारेंगे, फिर तीसरा पुल चढ़ेंगे, फिर उतारेंगे, फिर समझ लिया आलमबाग हम लोग पहुँच जाएंगे। देख सकते हो, और यहाँ पे संडे की बकरा मट्टी भी लगती है, जो आप हमारी पहले की वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के टाइम से, क्योंकि उस टाइम पर बकरा मंडी की वीडियो चल रही थी, तो मैं बना के जाने पड़ा था। हट गई है क्या? है बकरा मंडी। ये ऐसे संडे की बाजार यहीं पे लगती है, बकरा मंडी। देख सकते हैं बकरे अकरे भी, और मुर्गी कबूतर सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये संडे की पूरी बाजार लगती है यहाँ पे। अभी तो यहाँ तक के बकरे, अब यहाँ से मुर्गी चालू हो गई, देख सकते हैं सब मुर्गियाँ। और फिर उसके बाद से अभी मुर्गियाँ ही चल रही हैं, अरे कबूतर भी आगे आ जाएंगे। कबूतर वाले तो कोई दिख नहीं रहे, चले गए क्या सब कबूतर वाले? उड़े गए। चलो भैया फिर चलते हैं, फिर निकलते हैं। ऊपर चढ़ गए तो पुल पे चढ़ गए, और आलमबाग जाने के लिए याले पुल पे
आप मुझे पे देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा कुछ रहता है यार। यार अभी तो हमने कहा कि साफ सुथरा रहता है और साफ साफ रहता नहीं है, देख सकते हो। और इस पुल पे ज़्यादा जाम भी नहीं मिलता है, और अगर जाम मिलता है तो बहुत लंबा जाम मिलता है, वो भी हैंडिंग उतरते टाइम पे मिलेगा आपको जाम, या तो चढ़ते टाइम मिलेगा या उतरते टाइम पे, बीच में कहीं पे जल्दी जाम नहीं मिलता है। अगर बीच में जाम लग गया तो समझ लिए पूरा चक्का जाम है इस पुल का। हाँ, पुल उतर के जैसे कि मैंने कहा था जाम को लेके, तो देख सकते हैं यहाँ पे तो जाम लगता ही है। पुल उतर के और पुल चढ़ते में और उतरते में जाम मिलेगा, तो मिल गया थोड़ा सा जाम, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन निकल जाएंगे हम लोग। और हम लोग को जाना है सामने वाले पुल पे, तो उस पुल पे चढ़ के फिर उस पुल से भी उतरेंगे। तो आ गए ये हैदरगंज चौराहे पे, ये हैदरगंज चौराहा लगता है, तो चलते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जाम किस हिसाब से लगा हुआ है, हर तरफ जाम जाम जाम, पीछे से रास्ता थोड़ा सा खाली हुआ है, उसके बाद ये पूरा जाम ही जाम लगा पड़ा है यार। काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को यहाँ पे रुके रुके, काफ़ी टाइम हो गया। तो हम निकलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, चलते हैं आलमबाग और चढ़ जाते हैं इस पुल पे। और पुल पे चढ़ने के बाद किधर लिए आ रहे हो, रॉन्ग साइड भैया, यूपी 32 जीसी कहाँ जा रहे हो? चलो भैया फिर पहुँच गए ऊपर वाले पुल पे। फिर यही सीन इसका भी है, इस वाले से उतरेंगे तो आपको चक्का जाम मिल सकता है, लेकिन उस वाले पे चक्का जाम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे इतना जाम नहीं होता है। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था, उधर वाले उतरेंगे तो चक्का जाम मिलेगा, लेकिन इधर वाले का कोई चक्का जाम नहीं होता है क्योंकि इधर वाले ज़्यादा रश नहीं होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, होती है अपने टाइम के हिसाब से होती है, लेकिन इस टाइम कोई टाइम नहीं है। और आज है संडे, तो संडे के मुताबिक इधर वाले कोई घूमने तो जाना नहीं है, ना ऑफिस किसी को जाना है, तो इसीलिए इधर वाले चक्का जाम नहीं रहता है। तो चक्का जाम उधर रहता है, क्यों रहता है? उसकी वजह ये है कि उधर वाले है घंटाघर, नवाबों का शहर है ये, तो घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, आपको हर चीज़ उधर मिल जाएगी। तो आदमी बहुत ज़्यादा विजिट करने आता है वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से उधर वाल बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। तो चलते हैं पब्लिक, आगे का सीन दिखाते हैं, बहुत ही मचा के एकदम। तो इधर वाल देख सकते हैं सेल वेल भी लगी है शूज़ वूज़ की, 250 रुपये, 350 रुपये, जितने में भी आपको लेना हो तो इसलिए आप दे सकते हैं आके। चलते हैं, तो आ गए हैं राजा जी पुरम के पास। इधर आप अंदर चले जाएंगे, ये पूरा राजा जी पुरम लगता है, और इधर वाला आप चले जाएंगे तो आप आलमबाग निकल जाएंगे। तो राजा जी पुरम एक उधर बालागंज साइड पे भी है और एक इधर से भी है, तो मतलब अंदर ही अंदर ये पूरा राजा जी पुरम लगता है। तो चलते हैं, आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इधर ट्रेन वेन भी आती रहती है और जाती रहती इधर जा रही है। देखो जय हो, देख सकते हैं आप, ये तो आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है आलमबाग। तो चलते हैं, पुल चढ़ते हैं यहाँ अभी और पुल उधर उतारते हैं, फिर समझ लिए हम लोग आलमबाग में पहुँच ही जाएंगे। हालांकि ये भी आलमबाग लगता ही है। देखो मजे है मजे, देखो ट्रेन खड़ी हुई है और किसका इंतजार हो रहा है, पब्लिक सब बैठी हुई है, पैदा वाले कुछ काम वाम भी चल रहा है, ये करके दिखाओ। तो चलते हैं उधर, आगे उतरते हैं, ये समझ लिया हम लोग आलमबाग आ ही गए। एक लड़की ऐसा लड़का ऐसा काला काला यहाँ पे भी, ये पूरी मार्केट है, कुछ भी चाहिए होगा यहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, यहाँ चाहिए सब मिल जाएगा।
फर्नीचर से रिलेटेड हर चीज़, गाड़ी गाड़ी और राशन राशन सब मिल जाएगा। ये पूरी मार्केट है यहाँ अलमारी देख सकते हैं। यहाँ से 850 मीटर की दूरी पे है आलमबाग मेट्रो स्टेशन, मतलब सामने ही है बस। अमौसी एयरपोर्ट भी जाना है तो आपको यहाँ से इजली पहुँच जाओगे। वो देखिए मेट्रो जा रही है ऊपर, मेट्रो, हेलो मेट्रो, बाय बाय। इधर फिर वापस, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे का काम था आकाश भाई को अपने, तो आकाश भाई ने निपटा दिया है। तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ, नहीं घंटा घर पे, वो भी एक घर ही तो है घंटा घर, नाम सुनिए घंटा घर। तो चलते हैं, देखते हैं ताल कटोरा, राजा जी पुरम, नखास, ये तीन रास्ते जाते हैं यहाँ से आपके। तो चल रहे हैं वापस अपने घर को, घंटा घर को। तो चलते हैं पब्लिक यार, ये पब्लिक है, भरी पड़ी है, खचाक है। ये अपनी धनों भी खड़ी हुई है, ये है धनों। पार गए पार्किंग में, तो पब्लिक देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, काफ़ी पब्लिक है यार हर तरफ। तो गाइस दिखा दिया पूरा सीन रास्ते भर का, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।